फर्स्ट पॉइंट क्या है? इल्म का मतलब क्या है? इल्म का मतलब क्या है? अभी बताया था मैंने, नॉलेज. इल्म का मतलब क्या है? इल्म. आपके पास इल्म है? हाँ, इल्म है. अच्छा ये बताओ ये क्या है? पेंसिल. अगर मैं कहूँ नहीं आइसक्रीम है तो आप मानेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि आइसक्रीम के शेप की नहीं है. हाँ, तो आपको दिख रहा है कि आपको नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है कि ये पेंसिल है. अगर मान लो कोई बात छोटा सा बच्चा हो और उसको हम लोग बोले ये आइसक्रीम है बेटा, तो वो मानेगा? नहीं. छोटा सा, बहुत छोटा सा बेबी बॉय हो, अगर उसको बोलेंगे ये आइसक्रीम है तो मानेगा? नहीं. नहीं. क्यों नहीं मानेगा? मानेगा मानेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं हो पा रहा. अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक नहीं मालूम है कि पेंसिल किसे बोलते हैं और ये भी नहीं मालूम है आइसक्रीम किसे बोलते हैं, अगर वो आइसक्रीम क्या है उसे मालूम है, खाया है आइसक्रीम, उसके पास नॉलेज है कि आइसक्रीम किसे बोलते हैं, और आप बोलेंगे बेटा ये आइसक्रीम है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा. लेकिन अगर बहुत छोटा है और उसे कुछ भी नहीं मालूम है और अगर आप उसे गलत बात सिखाओ, जो नहीं सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए गलत बात है, हम लोग तो सिर्फ मिसाल ले रहे हैं समझने के लिए. क्या चीज की मिसाल? इल्म, नॉलेज. हाँ, तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर आप मान लो मिसाल के तौर पे रास्ते चलते कोई भी आदमी को पकड़ो, बोला सुनो सुनो अंकल मेरी बात आप सिर्फ रिपीट करो, से ला, वो बोलते ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, वो कह दे तो क्या ईमान वाला हो गया? वो ईमान आ गया उसके अंदर? कोई भी आदमी, कोई भी कैसा भी इंसान, हाँ, तो नहीं पता है. तो इल्म होना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह? कि कोई भी इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के. बनाने वाला कौन है? हमें किसने बनाया? आपके हैंड्स को किसने बनाया? अल्लाह. हाँ, आपकी नोज को किसने बनाया? अल्लाह. आपकी आईज को किसने बनाया? अल्लाह. हर चीज जो हमारे पास है किसका बनाया हुआ है? अल्लाह. किसने हमें दिया? अल्लाह. कौन है हर चीज का मालिक है? अल्लाह. किसके पास हम वापस जाएंगे? अल्लाह. कौन है हर चीज को कंट्रोल करता है? अल्लाह. तो जब सब चीज अल्लाह ही के हाथ में है तो इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह. किसी और की होनी चाहिए? कोई अच्छे इंसान की होनी चाहिए? आपके टीचर की इबादत होनी चाहिए? हाँ. किसकी इबादत होनी चाहिए? इमाम साहब की इबादत होगी? नहीं. सब बंदे हैं, किसकी इबादत करेंगे? अल्लाह की इबादत करेंगे. सारी इबादतों पे किसका हक है? अल्लाह. तो ये समझ में आना जरूरी है कि नहीं? नॉलेज. हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बोल रहा है, पैरेट है, आपने उसको पैरेट को बोला ना, पैरेट. पैरेट को अगर बार 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 कोई चीज बोलो तो वो बोलने लगता है. हाँ, तो पैरेट को आपने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पैरेट बोलने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह. तो पैरेट तो क्या होता है ना, ऐसे भी सारे एनिमल्स जो होते हैं ना उनके पास इख्तियार नहीं होता है. इख्तियार का मतलब चॉइस, वो अल्लाह की मर्जी पे ही चलते हैं. हाँ, हमारे पास चॉइस है, हम चाहे तो गुनाह के काम करें, चाहे तो नेक काम करें. आपने कोई एनिमल को देखा है जो आकर के सामान बेच रहा है? हाँ? नहीं. कि भाई ये चीज मैंने एनिमल के पास से खरीदी है पेंसिल और उसने मुझे झूठ बोल के बेचा था. हाँ, उसने आइसक्रीम बोल के मुझे बेच दिया. तो ऐसा तो नहीं होता है, एनिमल्स के पास चॉइस नहीं है. लेकिन बात समझने की क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम लोग मानते हैं तो उसके बाद मानने के साथ समझना जरूरी है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? समझना. इल्म, हाँ, नॉलेज. आप लोग फॉलो करेंगे इंशाल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह की मीनिंग मालूम है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह की मीनिंग मालूम है? हाँ, मालूम है, सबको मालूम है. यस, ओके, इंशाल्लाह. अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें. आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.